हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे एनएएस प्रश्न बैंक क्लास ए सब्जेक्ट हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड पार्ट थर्ड एंड फोर्थ कंप्लीट देखा है। उनमें हमने टॉप मोस्ट क्वेश्चंस देखे हैं, तो यहाँ हम अगेन फिर से एक बार लेकर आए हैं पार्ट फाइव, जिसमें हम अगेन टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं क्लास एट के सब्जेक्ट हिंदी के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ दे रखा है, निम्नलिखित गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ एक आपके गद्यांश दे रखा है, जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनके हमें आंसर करने हैं। तो यहाँ गद्यांश है, मानव जाति ने अपने उद्भव काल से ही प्रकृति के गोद में ही जन्म लिया और उसी से अपने भरण पोषण की सामग्री प्राप्त की। सभी प्रकार की वन्य या प्राकृतिक उत्पादन ही उसके जीवन और जीविका के एकमात्र साधन थे। प्रकृति ने ही मानव जीवन को संरक्षण प्रदान किया। रामचंद्र, सीता व लक्ष्मण ने भी पंचवटी नामक स्थान पर कुटिया बनाकर वनवास का लंबा समय व्यतीत किया था। वृक्षों की लकड़ी से मानव अनेक प्रकार के लाभ उठाता है। उसने लकड़ी को ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया, इससे मकान व झोंपड़ियाँ बनाई। इमारती लकड़ी से भवन निर्माण, कृषि यंत्र, परिवहन जैसे रथ, ट्रक, रेलों के डिब्बे तथा फर्नीचर आदि बनाए जाते हैं। कोयला भी लकड़ी का प्रतिरूप है। वृक्षों की लकड़ी तथा इसके उत्पाद जैसे नारियल का जूट, लकड़ी का बुरादा, चीड़ की लकड़ी आदि विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग फल, कांच के बर्तन आदि नाजुक पदार्थों की पैकिंग के लिए किया जाता है। इस प्रकार वृक्षों से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभों के अतिरिक्त परोक्ष फायदे भी हैं। जीवनदायिनी ऑक्सीजन पेड़ों से प्राप्त होती है। वृक्षों के आधिक्य से बाढ़ नियंत्रण में सहायता मिलती है। अब देखते हैं इस पैराग्राफ से रिलेट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ क्वेश्चन 86 से स्टार्ट करेंगे, 85 तक हम पहले पार्ट फोर में देख चुके हैं। यहाँ 86 क्वेश्चन है, रामचंद्र, सीता व लक्ष्मण ने वनवास का लंबा समय कहाँ व्यतीत किया था? तो यहाँ आंसर करेक्ट कर देंगे हम ऑप्शन ए, पंचवटी नामक स्थान पर। 87 क्वेश्चन है, लकड़ी का ही प्रतिरूप है पत्थर, सोना, कोयला, हीरा। लकड़ी का ही प्रतिरूप है कोयला, लकड़ी को ही जला करके कोयला बनाया जाता है या बनता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन है, पंचवटी शब्द में समास है। पंचवटी शब्द में समास बताना है, जो कि कौन सा समास है? द्विगु समास, जिसमें संख्याएं ही दी गई होती हैं। वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है, चौराहा, पंचवटी। ठीक है, तो यहाँ पंचवटी अर्थात पांच पक्षों का समूह। ठीक है, तो यहाँ ये कौन सा समास है? द्विगु समास। 89 क्वेश्चन है, वृक्ष शब्द का बहुवचन होगा। वृक्ष शब्द का बहुवचन होगा वृक्षों, ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 है, जीवनदायिनी गैस कौन सी है जो पेड़ों से प्राप्त होती है? जीवनदायिनी गैस है ऑक्सीजन, जो कि पेड़ों से प्राप्त होती है, ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे। 91 क्वेश्चन है, वृक्षों के आधिक्य से किस आपदा के नियंत्रण में सहायता मिलती है? वृक्षों के जो आधिक्य से बाढ़ के नियंत्रण में सहायता मिलती है, क्योंकि वृक्ष जितने ज़्यादा होंगे, उनकी जड़ें जितनी ज़्यादा होंगी, उतने ही बाढ़ जो है वो कम होगी और बाढ़ के नियंत्रण में सहायता मिलती है। 92 क्वेश्चन है, लाभ शब्द का विलोम होगा, लाभ का विलोम शब्द होगा हानि, ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे। तो ये था इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब देखते हैं 93 से 104 तक के, जो कि नीचे कवितांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ एक कवितांश दे रखा है, कविता का एक अंश दे रखा है, जिसके पढ़कर के हमें क्या करने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे रिलेट है, उनके आंसर करने हैं। तो यहाँ रीड करेंगे कवितांश को, क्या करोगे अब समय का जब प्यार नहीं रहा, सर्वसहा पृथ्वी का आधार वहीं रहा, न वाणी साथ है न पानी साथ है, न कहीं प्रकाश है स्वच्छ, जब सब कुछ मैला है आसमान, गंदगी बरसाने वाली एक अछोर फैला है, कहीं चले जाओ विनती नहीं है, वायु प्राण प्रद आदम कद आदमी सब जग से गायब है। तो ये था कवितांश। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। 93 क्वेश्चन है, कवि ने धरती के बारे में क्या कहा है? तो यहाँ आंसर करेक्ट करेंगे सर्वसहा। कवि ने धरती के बारे में कहा है कि धरती सर्वसहा है, सब कुछ सहन करने वाली है।
94 क्वेश्चन है, आदमकद आदमी से क्या तात्पर्य है? आदमकद आदमी अर्थात मानवता से, मानवीयता से भरपूर आदमी, ठीक है। 95 क्वेश्चन है, आसमान की तुलना किससे की गई है? आसमान की तुलना की गई है गंदगी बरसाने वाले थैले से। आजकल आसमान से जो बारिश होती है उसमें अम्ल वर्षा भी शामिल रहती है जो कि हानि पहुंचाती है इमारतों को, तो यहाँ उससे रिलेट किया गया है आसमान की तुलना गंदगी बरसाने वाले थैले से, ठीक है, जो कि गंदगी बरसाता है। 96 क्वेश्चन है, प्राणदान का तात्पर्य है? तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राण प्रदान करने वाला। 97 क्वेश्चन है, कभी समय से कब और क्यों कतराना चाहता है? तो यहाँ आंसर करेक्ट कर देंगे, किसी को प्यार करने का समय नहीं, क्योंकि उसके पास किसी को प्यार करने का समय नहीं है इसलिए कतराता है, ठीक है। 98 क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द समूह में कौन से समान अर्थ वाले शब्द हैं? तो यहाँ शब्द समूह में समान अर्थ वाले शब्द होंगे ऑप्शन ए, जलद वारिद पयोद अम्बुद। ये सभी किसकी हैं? जल देने वाला अर्थात आसमान के पर्यायवाची हैं, जलद जल देने वाला, वारिद वार देने वाला, वारी देने वाला, पेय देने वाला, अम्बु देने वाला, ये सभी पानी के पर्यायवाची होते हैं, जल जल वारी पेय अम्बु, ठीक है। तो यही सभी क्या रिलेट हैं? आसमान से रिलेट हैं। अगर इसमें जय जुड़ जाता तो कमल हो जाता, ठीक है। अगर इसमें दय जुड़ा है तो ये हो गया आसमान के पर्यायवाची, ठीक है। दय से अर्थ होता है देने वाला, ओके। 99 क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में द्वंद्व समास है? द्वंद्व समास आपको पता होना चाहिए कि कौन सा होता है। द्वंद्व समास होता है जिसमें जो योजक चिन्ह का यूज़ किया जाता है, दो महत्वपूर्ण जो वर्ड होते हैं दोनों का ही महत्व होता है अपने आप में, उन्हें क्या करा जाता है? योजक चिन्ह से जोड़ दिया जाता है, तो योजक चिन्ह का यूज़ होता है द्वंद्व समास में। तो यहाँ द्वंद्व समास का कौन सा एग्जांपल दिख रहा है? सीता राम, सीता और राम, और का लोप रहता है या का लोप होता है, तो वे कौन से समास होते हैं? द्वंद्व समास होते हैं। सप्ताह कौन सा समास है? द्विगु समास, सात दिनों का समूह सप्ताह, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है? गिनतियों का यूज़ किया जाता है, गिनती आती है सबसे पहले हमें वर्ड में। लंबोदर और दशानन, लंबा है उदर जिसका, दश है सिर जिसके, आंसर क्या आ जाएगा? रावण, लंबोदर का हो जाएगा गणेश जी। तो यहाँ दोनों ही बहुब्रीही समास के एग्जांपल हैं, तो यहाँ द्वंद्व समास का एग्जांपल है ऑप्शन से सीता राम। 100 क्वेश्चन है, काला घोड़ा तेज दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया विशेषण छाटिए। क्रिया विशेषण छाटना है इस वाक्य में, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा तेज। क्रिया की विशेषता है कि वो तेज दौड़ रहा है, दौड़ना क्रिया हो गई, अब कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है, तो क्रिया विशेषण हो गया ऑप्शन से तेज। 101 है, आम अनार फल केला शब्द समूह में भिन्न शब्द छाटिए। तो यहाँ आम अनार केला तीनों ही फलों के नाम हैं, तो यहाँ जो फल है ये भिन्न शब्द है, तो यहाँ ऑप्शन से को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 है, कमलकांत एक बार परीक्षा देने जयपुर गया वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है? संज्ञा शब्द होते हैं किसी की नेम, ठीक है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि नेम कौन सा है? कमलकांत। तो यहाँ कमलकांत को क्लिक कर देंगे, संज्ञा शब्द है कमलकांत, ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे। 103 है, न कहीं प्रकाश है स्वच्छ पंक्ति में विशेषण है। विशेषण क्या है यहाँ इस पंक्ति में? विशेषण है ऑप्शन बे स्वच्छ। प्रकाश कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए। प्रकाश कैसा नहीं है? स्वच्छ नहीं है, तो प्रकाश की विशेषता है स्वच्छ, तो यहाँ ऑप्शन बे को करेक्ट कर देंगे। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की, ठीक है। 104 क्वेश्चन है, विनती का अर्थ है? विनती अर्थात प्रार्थना, किसी से प्रार्थना करते हैं या किसी से विनती करते हैं, दोनों ही अर्थ हैं, तो यहाँ विनती का अर्थ हो गया ऑप्शन दे प्रार्थना। ये था इस कवितांश से रिलेट क्वेश्चंस। अब देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ एक गद्यांश दे रखा है जिसे ध्यानपूर्वक केयरफुली रीड करना है, जिससे रिलेट हमें क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो गद्यांश है, कमल IAS की परीक्षा देने इलाहाबाद गया, लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि गाड़ी चल पड़ी, चलती ट्रेन में हाथ के कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया, प्राण तो बच गए पर दायां हाथ चला गया।
उसी विच्छिन्न भुजा के साथ धीरे धीरे वह मानसिक संतुलन भी खो बैठा। दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा। केवल एक हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिए। इधर चंद्रा, जिसका निचला धड़ है निष्प्राण, मांस पिंड है मात्र, सदा उत्फुल्ल है, चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं, बुद्धि दीप्त है, आंखों में एक अदग्य उत्साह, प्रतिपल प्रतिक्षण भरपूर जीने की उत्कट जिजीविषा और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या मोच आ जाने पर ही प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाशी सिर पर टूट पड़ा है। और इधर यह लड़की है कि निचला धड़ सुन्न है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। ऊंची नौकरी की एक ही नीरस करवट में उसकी प्रतिभा निरंतर डूबती जा रही है। आजकल IIT मद्रास में काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ चंद्रा से रिलेटेड बताया गया है कि किस तरह से उसका नीचे का धड़ क्या है, पैरालिसिस है, वो हिल नहीं सकता, जबकि जो सिर्फ उसका जो मुंह है वो उससे ही काम कर सकती है, उसी के भरोसे उसमें उसी के होने पर भी वह एक अलग ही उत्साह पूर्वक जी रही है। उसकी जिजीविषा, उसके सपने हैं, उसकी महत्वाकांक्षा है। तो यहाँ बताया गया है कि किस तरह से एक हाथ खो देने पर जो कमल है वो किस तरह से उदास हो जाता है अपनी ज़िंदगी में, जबकि जो चंद्रा है उसका तो निचला धड़ ही निष्प्राण है, फिर भी वह जी रही है। ठीक है, और ऊंची नौकरी पर काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ ये पैराग्राफ था। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। 105 क्वेश्चन है, कमल परीक्षा देने कहाँ गया था? तो यहाँ से करेक्ट करेंगे, कमल देना गया था एग्ज़ाम इलाहाबाद में, ऑप्शन सेक को करेक्ट करेंगे। 106 क्वेश्चन है, मानसिक शब्द में प्रत्यय है, मानसिक शब्द में है प्रत्यय, मनस प्लस एक है इसका विच्छेद, तो यहाँ एक प्रत्यय है, ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी प्रत्यय में किसी मूल शब्द में एक प्रत्यय को जोड़ते हैं तो जो पहला वर्ण होता है उसमें वृद्धि हो जाती है, मतलब वे क्या होता है उसमें एक बढ़ोतरी हो जाती है। जैसे मैं है तो यहाँ आ की मात्रा लगा दी, यहाँ अगर आधा वह होता तो पूरा हो जाता, तो मतलब एक मात्रा बढ़ जाती है। और जो लास्ट वर्ण है उसमें क्या हो जाता है, छोटी ई की मात्रा जुड़ करके कै शब्द जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा प्रत्यय है, एक प्रत्यय है मनस प्लस एक मानसिक। 107 क्वेश्चन है, 107 क्वेश्चन है, आकाश शब्द का विलोम है, आकाश का विलोम शब्द होता है पाताल, तो ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे। 108 है, जिजीविषा शब्द का अर्थ है, जिजीविषा अर्थात जीने की इच्छा, तो यहाँ ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे। 109 क्वेश्चन है, हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ है, हथियार डाल देना अर्थात हार मान लेना, पाकिस्तानी सैनिकों ने इंडियन सैनिकों के सामने हथियार डाल दिए यानी हार मान ली। ठीक है, 110 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन जो है 110 कौन सा है, कमल के मानसिक संतुलन खोने का क्या कारण था? कमल के मानसिक संतुलन खोने का कारण था दायां हाथ चले जाने से, जब वह ट्रेन में चल रहा था, चढ़ने की उसने कोशिश की, इसलिए वह फिसल गया और उसका जो हाथ है दायां हाथ वो पहिए के नीचे आ गया, तो यहाँ ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे। क्या खो दिया था उसने, दायां हाथ, इसलिए उसका जो मानसिक संतुलन है वो खो गया था। 111 यानी 111 क्वेश्चन है, तो यहाँ 111 का क्वेश्चन है, कमल इलाहाबाद किसकी परीक्षा देने गया? कमल इलाहाबाद परीक्षा देने गया था IAS की, ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिपल प्रतिक्षण शब्दों में समास है, प्रतिपल प्रतिक्षण शब्दों में समास होगा आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव में उपसर्ग जुड़े होते हैं मूल शब्दों में, जैसे यहाँ पल में जुड़ा हुआ है प्रीति, क्षण में जुड़ा हुआ है प्रीति। ठीक है, तो अगर आपको उपसर्ग जुड़े हुए शब्द दिखाई दें वो कौन सा समास होगा, उनमें समास कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, 113 क्वेश्चन है, महत्वाकांक्षाएं शब्द का संधि विच्छेद होगा, महत्वाकांक्षाएं शब्द का संधि विच्छेद होगा महत्व प्लस आकांक्षाएं। ठीक है, तो यहाँ इसको करेक्ट कर देंगे, ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 है, चंद्रा आजकल कहाँ कार्य कर रही है? चंद्रा कार्य कर रही है IIT मद्रास में, ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे। और लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, इस वीडियो में
115 गले तक आया हुआ के लिए उचित शब्द होगा, उचित शब्द होगा गले तक आया हुआ अर्थात कंठगत। कंठगत मतलब कंठ से कंठ तक आया हुआ, कंठ प्लस गत, इसका जो हो जाएगा विच्छेद होगा वो इस तरह से होगा, तो कंठ तक आया हुआ क्या हो जाएगा कंठगत, ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे। तो यहाँ हमने देखे क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर के 115 तक, ठीक है। इससे आगे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते रहेंगे हम आपके एनएएस के, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।